आचार्य चाणक्य भारतीय राजनीति और दर्शन शास्त्र के महान विद्वान रहे हैं। उन्होंने जीवन के बारे में कई ऐसे अहम बातें कही है जिन पर अगर इंसान अमल करे तो वह जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकता है। उनकी इन बातों को चाणक्य नीति कहा जाता है। अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने लोगों के बेहतर भविष्य और कल्याण के लिए ऐसी बातें लिखी है जो आज के दौर में भी बहुत फेमस है। ये गूढ़ बातें कदम कदम पर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। चाणक्य ने लोगों को जीवन में दो आदतें हर हाल में बदलने की बात कही है। उनका कहना है कि ऐसा ना करने से इंसान को अंधकारपूर्ण जीवन भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वे दो बातें कौन सी है। नंबर वन, किसी को अपने टूटे होने का एहसास न होने दे। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कभी भी दूसरों को अपने कमजोर होने का एहसास मत दो। चाणक्य के मुताबिक टूटे मकान से लोग ईंटें तक उठा के ले जाते हैं। उनका कहने का अर्थ ये है कि बहुत कम लोग दूसरों की तकलीफ को समझ पाते हैं। अधिकतर लोग केवल दूसरों के दुखों से फायदा उठाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए जब तक आपको दूसरों पर भरोसा ना हो तब तक अपना दुख किसी से ना कहें और खुद से ही उससे निपटने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर टू, सीधे खड़े पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल में सीधे खड़े पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, उसी प्रकार सीधे इंसान को सबसे पहले ठगा जाता है। उनका कहना है कि इंसान को सज्जन और विनम्र जरूर होना चाहिए, लेकिन वह इतना भी ना हो कि लोग उसे उसकी कमजोरी मानने लगे। ऐसा करने पर लोग उस इंसान और उसके परिवार को परेशान करने लगते हैं, जिसका रिजल्ट पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसीलिए जीवन में विनम्र तो बने, लेकिन जरूरत पड़ने पर आवश्यक दृढ़ता भी दिखाएं। अगर ये दो पॉइंट्स को आपने समझ लिया तो ये दो आदतें आप अपने लाइफ में चेंज कीजिए। इससे आप बहुत भारी नुकसान से इन फ्यूचर बच सकते हैं। चाणक्य द्वारा बोला गया इसी तरह की मोटिवेशन बातें इस चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ चाणक्य नीति का एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, जहाँ पर आपको उनके बहुत सारी नीतियाँ जानने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।